हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ब्रांच चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ब्रांच की इंट्रोडक्शन और डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। आज हमने स्टार्ट करना है इंडिपेंडेंट ब्रांच। आज हमारे पास तीन टॉपिक हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बुक्स इनटू हेड ऑफिस एंड फॉरेन ब्रांच। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है जी? हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बात की थी। ऐसी ब्रांच जो अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करती हैं और इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी की तरह। अब कुछ एक हमारे पास यहाँ ट्रांजेक्शन है। स्टार्टिंग में फर्स्ट हमें वो कुछ ट्रांजेक्शन्स देखनी है। इन ट्रांजेक्शन्स की हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है जी, हेड ऑफिस की बुक्स में भी और ब्रांच की बुक्स में भी। तो अब चेक करते हैं जरा फटाफट से, एक एक ट्रांजेक्शन देखते हैं और उसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं क्या करनी है। इसका एक सिंपल सा रूल है जी, हमें कोई भी जर्नल एंट्री अगर यहाँ पर करनी है, बहुत सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होंगी जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में आपस में ट्रांजेक्शन्स होंगी। तो सीधी सीधी सी बात जी, यहाँ पर हेड ऑफिस और ब्रांच अकाउंट में यहाँ पर रूल लग जाएगा जी, पर्सनल अकाउंट वाला। मीन्स डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये बेसिक सा पर्सनल अकाउंट वाला रूल लग जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा बाकी हम एंट्रीज के साथ साथ आगे सीखेंगे। सबसे पहले एंट्री क्या है जी, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच पे गुड्स सेंड किया है तो हेड ऑफिस की एंट्री करेगा जी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। वो अपने पास ब्रांच को डेबिट कर देगा क्योंकि ब्रांच रिसीवर है। और टू गुड्स सेंड, नॉर्मली जैसे अगर हेड ऑफ एक एंटिटी एक दूसरे को सेल करती है तो डेटर टू सेल एंट्री की जाती है, यहाँ बिल्कुल सेम वैसे ही। और ब्रांच अपने पास क्या एंट्री करेगा, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स डेबिट टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को ना गिवर तो उसने क्रेडिट कर दिया, यहाँ पर नॉर्मली जैसे परचेज की एंट्री होती है, परचेज टू क्रेडिटर। नेक्स्ट एंट्री हमारी है कैश रेमिटी टू हेड ऑफिस। अगर ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश रेमिट किया तो हेड ऑफिस को ना रिसीवर कैश का, हेड ऑफिस रिसीवर हो गया तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस डेबिट हो जाएगा टू कैश, क्योंकि कैश चला गया उसके पास से, उसने पे कर दिया। और हेड ऑफिस की बुक्स में क्या हो जाएगा जी, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, कैश आया और आया किससे, ब्रांच गिवर को ना ब्रांच। थर्ड एंट्री, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। अगर ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर दिए तो क्या एंट्री होगी जी, कुछ भी नहीं। नॉर्मली जैसे सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है, परचेज रिटर्न की एंट्री होती है, सेम यहाँ पे हेड ऑफिस की बुक्स में उसने जब स्टार्टिंग में ब्रांच टू गुड्स सेंड की थी तो आज गुड्स रिटर्न टू ब्रांच हो जाएंगे और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस टू गुड्स रिटर्न हो जाएंगे जी। एंट्री नंबर फोर, सैलरी टू ब्रांच एम्प्लॉई पेड बाय ब्रांच। अगर ब्रांच अपने इम्प्लॉय को सैलरी पे करता है, सीधी सी बात जी, अगर ब्रांच इंडिपेंडेंट एंटिटी है वो अपने इम्प्लॉय को सैलरी पे करता है तो हेड ऑफिस का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ब्रांच हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ब्रांच अपना खर्चा खुद करती है। तो इसीलिए ब्रांच अपने इम्प्लॉय को सैलरी पे करता है तो ब्रांच अपने पास एंट्री कर देगा सैलरी टू बैंक, हेड ऑफिस में कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर ब्रांच के इम्प्लॉय की सैलरी पे हेड ऑफिस कर रहा है तो यहाँ ट्रांजेक्शन होगी जी। अब सीधी सीधी सी बात जी, यहाँ दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पहला, नॉर्मली सैलरी पेमेंट की एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक सैलरी अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और दूसरा अकाउंट हमारा इफेक्ट हो रहा है जी टू कैश या टू बैंक। तो अब यहाँ पर हमें देखना है जी, पहली बात, कैश या बैंक पेमेंट करी किसने, हेड ऑफिस ने, तो टू कैश या टू बैंक तो हेड ऑफिस की बुक्स में होगा। और सैलरी किसका, एक्सपेंस किसका है जी, ब्रांच का, तो सैलरी डेबिट ब्रांच के पास होगी। और अब हेड ऑफिस ने यहाँ ब्रांच के एम्प्लॉय को सैलरी दी तो हेड ऑफिस रिकवर किससे करेगा जी, ब्रांच से। तो इसीलिए हेड ऑफिस ब्रांच को अपनी बुक्स में एज अ डेटर दिखा देगा डेबिट में, ब्रांच डेबिट टू कैश। और ब्रांच की लाइबिलिटी आ गई हेड ऑफिस को पे करने की, क्योंकि हेड ऑफिस ने ब्रांच का खर्चा पे किया है, तो ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस को क्रेडिट दिखा देगा, क्रेडिटर दिखा देगा। तो यहाँ एंट्री क्या होगी हेड ऑफिस की बुक्स में, ब्रांच टू बैंक या टू कैश, और ब्रांच की बुक्स में सैलरी टू हेड ऑफिस। एंट्री नंबर फाइव, सैलरी टू हेड ऑफिस एम्प्लॉय पेड बाय ब्रांच। अगर ब्रांच हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को सैलरी पे करती है तो बिल्कुल उल्टी एंट्री, हेड ऑफिस की बुक्स में सैलरी टू ब्रांच और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस टू बैंक या टू कैश। एक्सपेंसिज ऑफ हेड ऑफिस एलोकेटेड टू ब्रांच। अब ये क्या है जी, कई बार क्या होता है हेड ऑफिस कुछ एक्सपेंसिज ब्रांच के बिहाफ पर कर देता है, मीन्स कुछ ऐसे एक्सपेंसिज जिसका सभी ब्रांचेज को या कुछ एक नंबर ऑफ ब्रांचेज को बेनिफिट मिलता है, या उनके बिहाफ पर कुछ खर्चे कर देता है। तो हेड ऑफिस क्या करता है, या फिर अपने कुछ एक्सपेंसेस उनको एलोकेट कर देता है ब्रांच को, कि ये मैंने एक्सपेंसेस किए हैं तुम्हारे बिहाफ पर है, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस या अदरवाइज कुछ भी, तो ये तुम्हारे बिहाफ पर मैंने एक्सपेंस किए हैं तो ये मैं तुम सबको एलोकेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली जीएसटी आया
तो ब्रांच ने अगर कोई प्रोफेशनल अपॉइंट किया, सॉरी हेड ऑफिस ने प्रोफेशनल अपॉइंट किया और ब्रांच लेवल पर भी जीएसटी रिकॉर्ड होना था, तो उसने अभी सभी ब्रांचेस का जीएसटी एक ही प्रोफेशनल से जो अपॉइंट किया हुआ उसी से ही रजिस्टर करवा दिया। अब हुआ क्या जी, अब हेड ऑफिस ने वो सारे के सारे खर्चे अपनी सभी ब्रांच को एलोकेट कर दिए कि ये मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के प्रोफेशनल को एक्सपेंस दिए हैं जो आपकी ब्रांचेस का रजिस्ट्रेशन था। तो ऐसे ही हेड ऑफिस और कुछ भी खर्चे अगर करता है ब्रांच के बिहाफ पर तो वो एलोकेट कर देता है उन्हें। तो यहाँ पर क्या हुआ जी, अब हेड ऑफिस जब स्टार्टिंग में एक्सपेंस करता तो अपनी बुक्स में एक्सपेंस टू कैश या टू बैंक की एंट्री डाल देता है, लेकिन बाद में वो उन्हीं एक्सपेंस को क्रेडिट करके ब्रांच को डेबिट कर देगा। मतलब सीधी सीधी बात, अगर हेड ऑफिस ब्रांच के खर्चे करता है तो उसने क्या एंट्री करनी थी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ हेड ऑफिस एंट्री क्या कर रहा है जी, पहले एक्सपेंसेस टू कैश और बाद में ब्रांच टू एक्सपेंसेस। मतलब इनडायरेक्टली एंट्री तो ब्रांच टू कैश ही हो रही है, पहले एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं बाद में क्रेडिट हो जाते हैं, क्लियर है जी। लेकिन अगर हमें एलोकेशन की बात की गई है तो हमें हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं करनी है एक्सपेंसेस टू कैश, हमें सिर्फ एलोकेशन की एंट्री करनी है ब्रांच टू एक्सपेंसेस, और ब्रांच की बुक्स में उल्टी एंट्री, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ब्रांच उन एक्सपेंसेस को अपनी बुक्स में डेबिट कर देगा, बुक कर देगा, और हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा कि हेड ऑफिस को मुझे पैसे देने हैं। अब आती है जी एंट्री नंबर 7, इनकम ऑफ हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस अपनी इनकम ब्रांच को एलोकेट करता है तो सेम ऊपर वाली एंट्री की रिवर्स, वहां क्या था ब्रांच टू एक्सपेंसेस हेड ऑफिस की बुक्स में, और यहाँ हो जाएगा इनकम टू ब्रांच। हेड ऑफिस अपनी इनकम डेबिट कर देगा और ब्रांच को क्रेडिट कर देगा कि मैंने ब्रांच के बिहाफ पे कुछ इनकम रिकॉर्ड की है जिसके लिए ब्रांच को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ कि मुझे जो इनकम है इसका शेयर ब्रांच को पे करना है, और इनकम अपनी डेबिट कर रहा हूँ जो हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड की हुई है। और ब्रांच ओटी एंट्री हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू इनकम, वो इनकम बुक कर देगा और हेड ऑफिस को डेबिट में दिखा देगा डेटर की ये पैसे उससे रिसीव करने हैं। लो जी नेक्स्ट एंट्री हमारी एंट्री नंबर 8, कैश रिसीव बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स डेटर इफ ब्रांच डेटर इज मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस ब्रांच के डेटर मेंटेन करता है, अगर हेड ऑफिस ब्रांच के डेटर मेंटेन कर रहा है और उनसे कैश रिसीव कौन कर देता है जी, ब्रांच, तो क्या एंट्री करेगा जी। सीधी सीधी बात, कैश रिसीव किसने किया, ब्रांच ने, तो अपने पास कैश डेबिट कर देगा। लेकिन डेटर कहाँ पर है, हेड ऑफिस के पास, तो डेटर हेड ऑफिस क्रेडिट करेगा। तो होगी क्या एंट्री जी, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और ब्रांच की बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। एंट्री नंबर 9, सेल टू अबव डेटर। अगर ऊपर वाले जो डेटर है उनकी सेल की गई, ब्रांच ने उनको कुछ सेल कर दी, तो सीधी सी बात, सेल ब्रांच ने की तो ब्रांच वहां से सेल क्रेडिट करेगा, और डेटर हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है तो डेटर को डेबिट हेड ऑफिस करेगा। तो नॉर्मली एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल्स, तो डेटर डेबिट होंगे हेड ऑफिस की बुक्स में, सेल क्रेडिट होगी जी ब्रांच की बुक्स में, और बाकी टू ब्रांच और हेड ऑफिस डेबिट हो जाएंगे। मीन्स हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच की बुक्स में होगी हेड ऑफिस टू सेल्स। नेक्स्ट आती है जी, अगर इन्हीं ऊपर वाले डेटर्स के ऊपर कुछ प्रोविजन बनाना पड़ा, तो सीधी सीधी बात जी, डेटर जिसकी बुक्स में है प्रोविजन की उसी की बुक्स में होगा। जब एसेट जहां पर मेंटेन हुई है तो उसकी लाइबिलिटी भी, उसका प्रोविजन भी वहीं पर होगा जी। तो हेड ऑफिस एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेकिन वो एक्सपेंस किसका है, प्रोविजन का, ब्रांच का, क्योंकि एक्चुअल में डेटर तो किसके हैं जी, ब्रांच के, लेकिन मेंटेन सिर्फ हेड ऑफिस कर रहा है। तो इसीलिए डेटर का बैलेंस कम तो हेड ऑफिस करेगा लेकिन एक्सपेंसेस ब्रांच बुक करेगा। तो एंट्री क्या होगी जी, नॉर्मली एंट्री होती है पी एंड एल टू प्रोविजन, तो पी एंड एल डेबिट हो जाएगा ब्रांच की बुक्स में और प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा जी हेड ऑफिस की बुक्स में। नेक्स्ट एंट्री नंबर 11, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस बट नॉट रिसीव बाय हेड ऑफिस। ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश रेमिट किया लेकिन हेड ऑफिस के पास रिसीव नहीं हुआ। तो नॉर्मली ब्रांच अपने पास हेड ऑफिस टू कैश की एंट्री करता ही है, लेकिन हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या करेगा जी, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, क्योंकि अभी तक उसे रिसीव नहीं हुआ, वो कैश ट्रांजिट में है जी। जैसे ही रिसीव हो जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश इन ट्रांजिट की एंट्री हेड ऑफिस पास कर देगा। नेक्स्ट, गुड्स सेंड टू ब्रांच बट नॉट रिसीव बाय ब्रांच। हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किए ब्रांच को, तो हेड ऑफिस तो एंट्री कर देगा ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, लेकिन ब्रांच के पास अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो गुड्स इन ट्रांजिट दिखाएगा उसे, गुड्स रिसीव नहीं दिखाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, और जैसे ही रिसीव हो जाएंगे तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री कर दी जाएगी। गुड्स इन ट्रांजिट एक टेम्परेरी अकाउंट और कैश इन ट्रांजिट भी, ये दोनों आपस में बाद में खत्म हो जाएंगे जब एक्चुअल ट्रांजेक्शन हैपन हो जाएगी। एंट्री नंबर 13, ब्रांच परचेज फिक्स एसेट बट एसेट अकाउंट मेंटेन बाय हेड ऑफिस। ब्रांच ने फिक्स एसेट परचेज की बट उसका एसेट का अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है जी।
तो पहली बात जी मिस फिक्स एसेट अपनी बुक्स में हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा, लेकिन परचेज ब्रांच ने की है, तो पेमेंट ब्रांच ने की तो ब्रांच अपनी पास टू बैंक कर देगा, लेकिन फिक्स एसेट हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट होगी क्योंकि मेंटेन उसने करना है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, हेड ऑफिस की बुक्स में फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैशियर टू बैंक। एंट्री नंबर 14 डेप्रिसिएशन ऑफ अवर एसेट। अब ऊपर वाली एसेट पर डेप्रिसिएशन, सेम सीधी सीधी बात, नॉर्मली एंट्री होती है जी डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा जी, फिक्स एसेट कौन मेंटेन कर रहा है, फिक्स एसेट मेंटेन कर रहा है जी आपके पास हेड ऑफिस, तो आप क्या करेंगे जी, फिक्स एसेट तो क्रेडिट हेड ऑफिस ही करेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कौन बुक करेगा जी, ब्रांच, तो आप डेप्रिसिएशन डेबिट ब्रांच की बुक्स में करेंगे। तो एंट्री होगी हेड ऑफिस के पास ब्रांच टू फिक्स एसेट, और ब्रांच के पास डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस। नेक्स्ट एंट्री, कैश फ्रॉम ब्रांच डेटर्स कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच के डेटर से हेड ऑफिस कैश कलेक्ट कर देता है, तो कैश हेड ऑफिस ने कलेक्ट किया, कैश हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट हो जाएगा टू ब्रांच, वो अपनी लायबिलिटी दिखा देगा कि मैंने ब्रांच का कैश रिसीव कर लिया, ब्रांच को पे करने की लायबिलिटी है। ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस को डेबिट कर देगा क्योंकि उसका कैश हेड ऑफिस ने रिसीव कर दिया, तो उसने हेड ऑफिस से अब ये रिसीव करना है, रिसीवेबल है उसके, और टू अपने डेटर को वो क्रेडिट कर देगा, वो अपने डेटर को क्रेडिट करके हेड ऑफिस को डेबिट कर देगा, मीन्स हेड ऑफिस को डेटर दिखा देगा कि अब मेरे डेटर से कैश कलेक्ट हो चुका है, लेकिन वो हेड ऑफिस ने किया है, तो अपने बुक्स में हेड ऑफिस को डेटर दिखा देगा। नेक्स्ट एंट्री नंबर 16, गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड स्टोलन ड्यूरिंग ट्रांजिट। गुड्स ब्रांच में भेजे गए लेकिन रास्ते में ही चोरी हो गया। पहली बात, ब्रांच के पास पहुंचे ही नहीं तो ब्रांच कोई एंट्री नहीं करेगा, और जब ब्रांच के पास पहुंचे ही नहीं तो लॉस ब्रांच का भी नहीं है जी, लॉस हेड ऑफिस का। जब तक ब्रांच के पास गुड्स नहीं पहुंचे तब तक ब्रांच का कोई लॉस नहीं है, तो हेड ऑफिस यहाँ एंट्री क्या करेगा, लॉस बाय थेफ्ट टू ब्रांच। क्लियर है जी, लॉस बाय थेफ्ट टू ब्रांच क्यों करेगा, क्योंकि जब भेजे होंगे तो हेड ऑफिस एंट्री कर चुका होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो अब उसी एंट्री में जो ब्रांच डेबिट किया हुआ था उसे क्रेडिट कर देगा, क्योंकि ब्रांच को जो उसने डेबिट किया था कि ये गुड्स भेजे हैं इसके रिगार्डिंग कैश रिसीव करना है, तो ब्रांच अब कोई पैसा नहीं देने वाला, तो इसलिए ब्रांच क्रेडिट हो जाएगा, और लॉस बाय थेफ्ट मीन्स हमारे पास जो लॉस है वो डेबिट हो जाएगा हमारा। क्लियर है जी, ये हमारी टोटल एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज को हमें रिकॉर्ड करना है, इनके क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें, जिसकी बुक्स में एंट्री मांगी होगी उसी की बुक्स में एंट्री करें, दूसरे की बुक्स में करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्वेश्चन सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में मांगता है तो हमें इनकी रिकॉर्डिंग सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में करके दिखानी है, कई बार क्वेश्चन सिर्फ ब्रांच की बुक्स में मांगता है तो हमें सिर्फ ब्रांच की बुक्स में करके दिखानी है। एक्स्ट्रा मत करें, टाइम वेस्ट मत करें, कोई नंबर नहीं मिलने वाले, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जी इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। अगर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन हैं, मीन्स एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से ट्रांजेक्शन करती है, तो हेड ऑफिस की बुक्स में उसका क्या इफेक्ट होगा। बच्चों बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा इफेक्ट है जी, सीधी सी बात, हेड ऑफिस की बुक्स में दो ब्रांचेस के अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं इसमें, तो जब दोनों ब्रांचेस के हैं जी पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का क्या क्राइटेरिया होता है जी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो आपको यही क्राइटेरिया लगाना है, चाहे उन ब्रांचेस में आपस में कैश की ट्रांजेक्शन हुई है, चाहे उनमें गुड्स की ट्रांजेक्शन हुई, चाहे उनमें बीआर की ट्रांजेक्शन हुई हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, आपको यही रूल लगाना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जी हमारे पास इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बैलेंसेज इन द हेड ऑफिस बुक्स। अब ये क्या है जी, ये भी बेसिकली इंडिपेंडेंट बुक्स का, इंडिपेंडेंट ब्रांच का ये एक टॉपिक है। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच में ऐसी ब्रांच जिसने अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन किए, लेकिन जब हेड ऑफिस को अपनी ग्लोबली होल बिजनेस की एक बैलेंस शीट, होल बिजनेस की एक फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, तो तब उसे क्या करना है जी, जो इंडिपेंडेंट जितनी भी ब्रांचेज हैं उनकी सबकी बुक्स को अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, मीन्स दोनों को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, ब्रांच की बुक्स और हेड ऑफिस की बुक्स को। तो उस केसेस में हेड ऑफिस को क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे कंसोलिडेशन से पहले जी, मीन्स आप लोगों को ये स्टेप उठाने पड़ेंगे क्योंकि हेड ऑफिस ने आपको अपॉइंट किया है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है जी। तो अब आप लोगों को हेड ऑफिस के बिहाफ पर क्या क्या ट्रांजेक्शन करनी, पहली बात, जब दोनों की इंडिपेंडेंट ब्रांच है और हेड ऑफिस है, दोनों ने अपना फाइनेंस अकाउंट्स बनाया, मीन्स ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट, तो दोनों को हमें सीधा सीधा ऐड कर देना है, जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। लेकिन ऐड करने से पहले ये चीज़ जरूर चेक कर लें कि हेड ऑफिस की बुक्स में गुड्स सेंट और ब्रांच की बुक्स में गुड्स रिसीव का बैलेंस आपस में मैच हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये दोनों मैच होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये मैच नहीं है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या होता है जी, गुड्स इन ट्रांजिट की। अगर हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे हैं तो हेड ऑफिस तो एंट्री डाल देता है, लेकिन ब्रांच के पास अभी रिसीव नहीं हुए तो ब्रांच नहीं डालता, तो ब्रांच को गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री डालनी
पड़ेगी। क्लियर है जी। सेकंड, बैलेंस शीट के अंदर हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस है और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस है, वो भी आपस में मैच होना चाहिए कि हेड ऑफिस ने ब्रांच से कितने पैसे देने और ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितने देने, ये भी दोनों मैच होने चाहिए। ये भी मैच नहीं है तो इनका भी रीजन ढूंढना पड़ेगा, और इसके दो ही रीजन है जी। पहला रीजन आपने अभी देखा ही है कौन सा, गुड्स इन ट्रांजिट। और सेकेंड रीजन क्या होगा, सेकेंड रीजन इसका होगा जी कैश इन ट्रांजिट, कि अगर ब्रांच ने हेड ऑफिस को कुछ कैश भेजा, ब्रांच ने तो एंट्री कर दी होगी लेकिन हेड ऑफिस के पास नहीं रिसीव हुआ तो उसने अभी नहीं किया होगा, तो वो एंट्री क्या करेगा, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और ये गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट कहाँ आएंगे जी, गुड्स इन ट्रांजिट क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है तो ये हेड ऑफिस के क्लोजिंग स्टॉक के साथ ही चलेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट है और चाहे आपकी बैलेंस शीट है जी। और दूसरी बात, कैश इन ट्रांजिट कहाँ जाएगा जी, कैश इन ट्रांजिट भी आपकी बैलेंस शीट में ही आने वाला है, तो ये दोनों के दोनों अकाउंट्स के इफेक्ट आप वहीं डाल देंगे जी। अब हमारे पास आता है जी हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच, अब इसकी इनकॉर्पोरेशन। अब जब दोनों बैलेंस मैच है, दोनों चीज़ें आपस में मैच होनी बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले इन दोनों को मैच कर दे फिर ही हम इनकॉर्पोरेशन करेंगे, फिर ही कंसोलिडेशन करेंगे, उससे पहले कंसोलिडेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास हेड ऑफिस की बुक्स में गुड्स सेंट टू ब्रांच और ब्रांच की बुक्स में गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस मैच हो चुका है, और बैलेंस शीट के अंदर हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में ब्रांच का बैलेंस और ब्रांच की बैलेंस शीट में हेड ऑफिस का बैलेंस मैच हो चुका है, तो अब आप इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन करने से पहले आपको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जी, तीन एंट्रियाँ, तीन ट्रांजेक्शन या तीन अकाउंट्स आपस में सेट ऑफ करने पड़ेंगे जी। जब भी आप दो कंपनियाँ या फिर दो अकाउंट्स को कंसोलिडेट करते हैं या एक को दूसरे में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों की आपस में जो इंटर ट्रांजेक्शन है उसे हम इंटर एंटिटी ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। तो अगर ये आपस में दोनों की कुछ ट्रांजेक्शन है, उन ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी हम उन्हें इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। तो इनकॉर्पोरेट में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ दोनों का टोटल सम करना है, बस जो इंटर ट्रांजेक्शन है उन्हें एलिमिनेट करना है। इंटर ट्रांजेक्शन में सबसे पहली क्या होगी जी, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, दोनों सेम ट्रांजेक्शन हैं तो ये दोनों अकाउंट्स हट जाएंगे हमारे, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग, तो दोनों अकाउंट हट जाएंगे, ना तो डेबिट पे गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस आएगा और ना ही क्रेडिट साइड पे गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस आएगा, ये दोनों अकाउंट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सेकंड, बैलेंस शीट के अंदर हेड ऑफिस का बैलेंस और ब्रांच का बैलेंस, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों भी इक्वल हैं, और हेड ऑफिस ने ब्रांच से देने, ब्रांच ने हेड ऑफिस को देने, दोनों भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। थर्ड हमारे पास आता है जी स्टॉक रिजर्व। ब्रांच की बुक्स में कुछ ऐसा स्टॉक पड़ा होगा क्लोजिंग स्टॉक में जो उसने हेड ऑफिस से दिया है, और हेड ऑफिस ने उन स्टॉक पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्क करके बेचा होगा। अब जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को प्रॉफिट मार्क करके गुड्स बेचे, वो वापिस इनकॉर्पोरेट हेड ऑफिस की बुक्स में ही हो गए, मीन जो ब्रांच के पास स्टॉक पड़ा है उसमें हेड ऑफिस का प्रॉफिट है, और आज वही वापिस हेड ऑफिस की बुक्स में आ गया, तो मीन्स हेड ऑफिस की बुक्स में अपना ही स्टॉक वापिस आ रहा है और वो भी प्रॉफिट पे हो, स्टॉक कभी भी प्रॉफिट पे नहीं आता, तो इसीलिए हमें स्टॉक में से प्रॉफिट एलिमेंट हटाना पड़ेगा और उसके लिए हमें स्टॉक रिजर्व की एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्या एंट्री होगी जी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, उसमें चेक करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक मीन्स ब्रांच स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हेड ऑफिस ने जो प्रॉफिट कमाया है वो उसके पी एंड एल में होगा तो वो भी डेबिट हो जाएगा, वहां से भी कम हो जाएगा। क्लियर है जी, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और इन बातों का ध्यान रखने के अलावा हमारे पास इनकॉर्पोरेशन में और कुछ भी नहीं है, तो इनकॉर्पोरेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको दोनों के बैलेंसेज मैच करने हैं, दो चीज़ें, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, उसका रीज़न क्या होता है जी, गुड्स इन ट्रांजिट, और हेड बैलेंस शीट्स के अंदर ब्रांच का बैलेंस हेड ऑफिस का बैलेंस ये मैच नहीं हुआ तो उनका भी रीज़न गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट, ये दो। इन दोनों का इफेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ इनकॉर्पोरेशन करते हुए तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो गुड्स इन ट्रांजिट और सॉरी गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस और गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बैलेंस शीट में ब्रांच का बैलेंस हेड ऑफिस का बैलेंस ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, और तीसरा स्टॉक रिजर्व, ब्रांच के स्टॉक में जो भी रिजर्व पड़ा है उसकी एंट्री हो जाएगी पी एंड एल टू ब्रांच स्टॉक। बस ये आप करेंगे आपका, इसके अलावा और इनकॉर्पोरेशन में कुछ नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है, सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है और आपका इनकॉर्पोरेशन बहुत ईजीली हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास इनकॉर्पोरेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है जी, वो हमारा टॉपिक है सबसे लास्ट फॉरेन ब्रांच। अब हम चलते हैं अपने फॉरेन ब्रांच के टॉपिक पर। फॉरेन ब्रांच इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी लास्ट क्लास में, कि फॉरेन ब्रांच एक्चुअल में होती क्या है जी। ऐसी ब्रांच जो इंडिया से बाहर सेटअप है, अगर आपका हेड ऑफिस इंडिया में है जी, मीन्स जिस कंट्री में हेड ऑफिस है उसके अलावा अगर किसी और कंट्री में हमारी ब्रांच है तो उसे हम बोलेंगे जी फॉरेन ब्रांच। और फॉरेन ब्रांच में हमने बात की थी जी, दो तरह की हमारी ब्रांच होती है, एक होती है जी इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच, एक होती है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच। इसके बारे में हमने बात की थी कि इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आज हम इसे कवर करते हैं कि इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच एक्चुअल में होती क्या है जी। इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच का मतलब है कि ये हेड ऑफिस में जो हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी है, इसी का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। मीन सीधी सीधी सी बात, ये इसने क्या किया हुआ जी, अपने बिजनेस की एक्सटेंशन की है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस गुड्स मैन्युफैक्चर करता है अपने पास हेड ऑफिस में, लेकिन वो अपने लोकल कस्टमर को डिलीवर करने के लिए एक ब्रांच ओपन कर लेता है किसी और कंट्री में। बहुत सी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने ब्रांच ओपन की हुई है ऐसे ही, कि यहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेकिन वहाँ के लोकल कस्टमर से डील करने के लिए, वहाँ के ऑर्डर देने के लिए एक वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के एक्सटेंशन एक ब्रांच ओपन की। गुड्स भी यहीं से भेजे जाते हैं, वहाँ से तो सिर्फ ऑर्डर रिसीव किया जाता है कस्टमर से और उनसे ट्रांजेक्शन की जाती है, कैश भी डायरेक्ट कस्टमर के हेड ऑफिस के अकाउंट में ही रिसीव होता है। सिर्फ उनसे डीलिंग करके बस यहाँ से हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेज दिया जाता है और ब्रांच कस्टमर को देता है, या फिर डायरेक्ट हेड ऑफिस कस्टमर को दे देता है जी। ब्रांच सिर्फ और सिर्फ उसके बिजनेस का एक एक्सटेंशन है, एक अनदर ऑफिस है उसका वहाँ। नेक्स्ट हमारी आती है जी नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच क्या है जी, ये कहता है जी ये एक ऐसे फॉरेन ऑपरेशन है जो, पहली बात तो इसने क्या कहा जी, कहता है जो इंटीग्रल नहीं है वो सारी की सारी नॉन इंटीग्रल है। और दूसरा कहता है ये अपने बिजनेस इंडिपेंडेंट वे में करती है। मीन्स आपने वहाँ पर जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच का मतलब है कि एक वहाँ पर ब्रांच ओपन की, वो इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस कर रही है, हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव करती है, परचेज करती है एक्चुअल में, और आगे गुड्स बेच देती है जी। क्लियर है जी, मीन्स इंडिपेंडेंट वे में अपना बिजनेस कर रही है। तो आप एक तरह से इन्हें भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वे के नाम से भी बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकली इनका नाम इंटीग्रल और फॉरेन इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल है। अब हम चलते हैं जी इन दोनों की अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जी। दोनों बिल्कुल सिंपल है। हमारा यहाँ पर काम क्या है जी, हमें ब्रांचेस के ट्रायल बैलेंस दिए होंगे, या तो हमें उसके फाइनल अकाउंट बनाने हैं या फिर हमें उसे कन्वर्ट करना है और हेड ऑफिस की बुक्स में इनकॉर्पोरेट करते रहना। इनकॉर्पोरेशन करना बिल्कुल सिंपल है, हमें पता ही है। मेन इशू आता है जी इसको कन्वर्जन, जो हमारा मेन काम है यहाँ फॉरेन ब्रांच के टॉपिक में। कन्वर्जन मीन्स कि ये जो फॉरेन ब्रांच है, ये हमें इनके जो बैलेंसेस दिए होंगे वो दिए होंगे फॉरेन करेंसी में, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, इंडियन नेशनल रुपीस में। बस यही हमारा यहाँ पे मेन काम है। तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन का कुछ प्रोसीजर गिवन है जी। पहले इंटीग्रल की बात करते हैं, बाद में नॉन इंटीग्रल की बात करते हैं। इंटीग्रल में कहता है जितनी भी P&L की आइटम है वो सारी की सारी एवरेज रेट पर कन्वर्ट होंगी। एक्चुअल में तो ट्रांजैक्शन रेट पर कन्वर्ट होती है, लेकिन P&L के आइटम्स में रेगुलरली इतनी ट्रांजैक्शन है कि पॉसिबल ही नहीं है एक एक दिन की ट्रांजैक्शन उठा के उसे कन्वर्ट किया जाए। इसीलिए उन्होंने एवरेज रेट पिक कर दिया कि इसका ड्यूरिंग द ईयर का एवरेज रेट उठा देंगे और उसी के बेसिस पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कहता है जितनी भी मॉनिटरी आइटम है बैलेंस शीट्स की, उसे क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मॉनिटरी आइटम मीन्स ऑल रिसीवेबल्स एंड पेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्हें क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो भी एट द बैलेंस शीट डेट जो हमारा कन्वर्जन रेट होगा उसी बेसिस पे, फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा उसी बेसिस पे हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड कहता है फिक्स एसेट और उसका डेप्रिसिएशन, इसे परचेज डेट के रेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाएगा। परचेज डेट के रेट के अकॉर्डिंग क्यों, क्योंकि जब ये हमारा ही बिजनेस है तो हम इसे अपनी बुक्स में जा रहे हैं, तो हम अपनी फिक्स एसेट को जिस दिन परचेज किया उसी दिन के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स में ही रिकॉर्ड करेंगे, तो इसीलिए उस दिन के बेसिस पे ही हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं जी। अब मॉनिटरी आइटम को हमने क्यों नहीं उस दिन का किया जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, क्योंकि मॉनिटरी आइटम होते हैं बैलेंसेस जो हमें रिसीव या पे करने हैं, तो वो हमें वैसे भी अगर हम ट्रांजैक्शन डेट का रिकॉर्ड करते भी हैं तो एज पर AS 11 आपको सभी मॉनिटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करना ही पड़ता है। क्लोजिंग डेट पर जो रेट है उसी अकॉर्डिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो इसीलिए डायरेक्टली हमने उसे क्लोजिंग डेट के रेट के अकॉर्डिंग दे दिया जी।
अब आती है जी बात इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री को कैसे कन्वर्ट करें। कहता है इन्वेंट्री को भी वैसे तो परचेज डेट के रेट पे ही हमें कन्वर्ट करना चाहिए एज पर द जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो इंटीग्रल पे रखते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री मॉनिटरी आइटम नहीं है। लेकिन अब इन्वेंट्री का परचेज डेट का रेट अवेलेबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्वेंट्री एक सिंगल डेट की इन्वेंट्री तो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती, बहुत सी डेटों की इन्वेंट्री कंसोलिडेट होकर प्रेजेंट रहती है। तो इसीलिए कहता है जी अगर ये अवेलेबल नहीं है, अगर तो अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको क्लोजिंग रेट पर ही कन्वर्ट करना है। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होगी तो आपको ये क्लोजिंग रेट पर ही कन्वर्ट करना होगा। अगर इन इसके बाद कोई भी डिफरेंस आ जाता है कन्वर्जन करने के बाद हमारी बुक्स में, अगर कुछ डिफरेंस आता है, डिफरेंस आना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि आप सारी की सारी बुक्स को सेम रेट पर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, आप मॉनिटरी आइटम को क्लोजिंग पर कर रहे हैं और पी एंड एल के आइटम को एवरेज पर कर रहे हैं, मीन जो नेट प्रॉफिट आएगा वो एवरेज रेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, मॉनिटरी क्लोजिंग के अकॉर्डिंग होगी, फिक्स एसेट परचेज के अकॉर्डिंग होगा, इन्वेंट्री परचेज के अकॉर्डिंग होगी या क्लोजिंग के अकॉर्डिंग होगी। तो इसीलिए सब में डिफरेंस है, तो ये पी एंड एल में, सॉरी, ये जो इसका बुक्स में डिफरेंस आना बिल्कुल लाजमी है। तो अगर कोई डिफरेंस आता है तो आप उसे पी एंड एल में फॉरन एक्सचेंज प्रॉफिट या लॉस के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि हमारा ही बिजनेस है, डिफरेंस आ रहा है तो हमारा ही प्रॉफिट या लॉस है, इसीलिए हम इसे अपने बुक्स में प्रॉफिट एंड या लॉस, फॉरन एक्सचेंज प्रॉफिट या लॉस के नाम से बुक कर देंगे। नेक्स्ट आता है जी हमारा नॉन इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन। ये इंडिपेंडेंट फॉरन ऑपरेशन है, हमें सिर्फ अपनी बुक्स में इसे इनकॉर्पोरेट करना है, मीन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर पर्पज़ के लिए इसे अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करके हमें शो करना है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए कहता है जी पी एंड एल की सारी आइटम तो एवरेज रेट पर ही होंगी, क्योंकि ट्रांजेक्शन डेट का रेट होना चाहिए, लेकिन ट्रांजेक्शन डेट का पॉसिबल रेट पॉसिबल नहीं है तो एवरेज पर ही चलेंगे। बैलेंस शीट की सारी आइटम क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट होगी। बैलेंस शीट की सारी आइटम बोला है, मीन्स इसमें फिक्स एसेट्स और इन्वेंट्री भी क्लोजिंग रेट पर ही आएंगी, यहाँ परचेज का रेट नहीं आएगा, क्योंकि जब हमारी एसेट्स ही नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है, हमारी एसेट्स नहीं है तो हम इसे अपने बुक्स में परचेज डेट की रेट पर नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, मीन्स सिर्फ शो करके दिखा रहे हैं अपनी बुक्स में, तो इसीलिए हमें क्लोजिंग रेट पर ही इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और कहता है जी अगर कोई डिफरेंस आता है कन्वर्जन के कारण, डिफरेंस आएगा क्योंकि आपने पी एंड एल की आइटम को एवरेज रेट पे किया, मीन्स नेट प्रॉफिट एवरेज पर आया हुआ है लेकिन बैलेंस शीट की आइटम क्लोजिंग रेट पर है, तो आपका वो बैलेंस, वो डिफरेंस कहाँ जाएगा जी? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट। आप एक स्पेशल सेपरेट रिजर्व बनाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट, ये रिजर्व स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए बनाया जाएगा। इसे हमने पी एंड एल में रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि ये हमारे ऑपरेशन नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो इसीलिए हमने अपना प्रॉफिट और लॉस बुक नहीं किया, इसे रिजर्व में एक सेपरेट रिजर्व अकाउंट क्रिएट करके दे दिया कि अभी अगर आज प्रॉफिट है तो रिजर्व क्रेडिट में होगा, आज लॉस है तो ये डेबिट में होगा, और नेक्स्ट ईयर इसी रिजर्व के साथ ही सेट ऑफ होता जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर इस बार क्रेडिट है, नेक्स्ट ईयर फिर क्रेडिट आया तो एक्यूमुलेट होता जाएगा, इस बार क्रेडिट है नेक्स्ट ईयर डेबिट आया तो ये आपस में सेट ऑफ होते रहेंगे। ये सेपरेट सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस के लिए क्रिएट होता रहेगा, और ये जो इनकॉर्पोरेटेड बुक्स होंगी, कंसोलिडेटेड बुक्स होंगी, इन्हीं में मेंटेन होगा और वहीं एज इट इज़ पड़ा रहेगा जी। क्लियर है जी? अगर कोई हेड ऑफिस का बैलेंस हमारे पास पड़ा है, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस पड़ा है, या फिर ब्रांच की बुक्स में गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस पड़े हैं, तो उसका हमें हेड ऑफिस की बुक से एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगा लोकल करेंसी में, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको हम एक्चुअल अमाउंट पर ही देंगे, जो हमें रुपीज़ का अमाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में मिल जाएगा कि ब्रांच से कितने पैसे देने हैं ब्रांच अकाउंट से, और गुड्स सेंट टू ब्रांच का अमाउंट हेड ऑफिस की बुक से मिल जाएगा, तो वो हम एक्चुअल अमाउंट ही देंगे, उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, कोई सा भी ऑपरेशन हो, चाहे इंटीग्रल चाहे नॉन इंटीग्रल। लो जी, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म। हमने यहाँ पर आज बेसिकली एक इंडिपेंडेंट ब्रांच कवर की, इंडिपेंडेंट ब्रांच में बेसिकली एक कुछ बेसिक जनरल एंट्री थी, उसके बाद इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स थी, और उसके बाद हमारा टॉपिक था इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बुक्स इनटू हेड ऑफिस बुक्स, और उसके बाद हमने फॉरेन ब्रांच का टॉपिक कवर किया। हमारा यहाँ ब्रांच का चैप्टर खत्म है, ब्रांच के चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप इसके क्वेश्चन अच्छे से कर लें, जो भी डाउट्स होंगे उसे हम क्लास में कवर कर लेंगे जी।